पिछले हफ्ते भारतीय मजदूर संघ ने हमारे को नॉमिनेट किया था, जिले के हम 3 कार्यकारिणी सदस्य थे, उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम चौधरी जी, मैं हूँ, और साथ में हमारे जिला मंत्री राजेश ठाकुर जी, और साथ में अपना आंगनबाड़ी अध्यक्ष हमारी मीरा ठाकुर जी। तो आज स्वरगढ़ में IPH जिला का जल शक्ति कर्मचारी संगठन का चुनाव कराया गया, और जिसमें ये तो हमारे IPH डिपार्टमेंट में काफ़ी सालों से ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, रूपलाल ठाकुर जी को अध्यक्ष बनाया गया, और साथ में इनके साथ इनका सहयोग करने वाले अपना महामंत्री जी अवतार जी को इस कार्य जिला कार्यकारिणी में महामंत्री बनाया गया, और साथ में इनके साथ और कर्मचारी जो हमारे अच्छे कर्मचारी बीच में रखते हैं उनको इस यूनियन का सदस्य बनाया गया और कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया, और ब्लॉक स्तर पे भी हमने इसका गठन किया, स्वरगाट जल शक्ति विभाग का जो ब्लॉक स्तर पे गठन किया उसके भी हमने प्रधान जनरल सेक्रेटरी और कार्यकारिणी सदस्य को चुना गया, और साथ में यहाँ पे हाउस में जो बीच में बातें कर्मचारियों ने उठाई है तो बड़ी मतलब शर्म की बात है कि प्रदेश सरकार को इन कर्मचारियों के ऊपर मतलब किस तरह का अत्याचार हो रहा है, 8-8 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है और 8-8 घंटे ड्यूटी, 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, तो ये बड़ी मतलब बड़ी मैं बोलता हूँ कि बड़ी शर्म की बात है। तो प्रदेश सरकार को या प्रदेश मंत्री को, जो IPH का मंत्री है महेंद्र सिंह जी, एक आउटसोर्स कमेटी का वो अध्यक्ष भी बनाया हुआ प्रदेश का, तो उसको चाहिए कि जितने भी IPH हमारे IPH स्वरगाट ब्लॉक के हैं या बिलासपुर के हैं, आउटसोर्स पर जो हमारे काम कर रहे हैं, 8-8, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको इस आउटसोर्स जो पॉलिसी हिमाचल सरकार बनाने जा रही है उसमें इनको लिया जाए और इन कर्मचारियों को इनके मतलब आगे इनके भी विषय के मतलब चिंता करें और इनके रेगुलर होने के कोई चांस बने।